सत्कार टीवी देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरिंदर सिंह पन्नू। दोस्तों नवे साल दिन सारे लख लख मुबारक। सो 2013 सारे लिए खुशियां भरिया खेड़ा भरिया हो। सो अज असी पहुंचे हैं एक सच का अजूबा लैके। सो साडी कोशिश रहती है हमेशा ही कि अजूबा सच का एक अजिहा अजूबा अज देखने को मिलया है पिंड अहमदपुर दारा जो कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट महज 60 किलोमीटर दूरी से खंडावली पैंदा, जिथे एक अज प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल एक अजिहा अजूबा देखने को मिलया, जिथे एक अजिही शख्सियत को इस 2013 के आगाज अज सम्मानित किया गया कुछ पिंड के लोगों की तरफों, जो कि पिछले 6 सालों तो लगातार फ्री ऑफ कोस्ट बिना किसी सवार दे बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं प्राइमरी स्कूल। सो दुनिया के अजिहे अजूबे बहुत घट देखने को मिलते हैं कि जिथे लोग बिना कोई मतलब के काम करते हो। अज दुनिया के पूरा समाज जरा मतलब प्रस्त हो चुका है, पर यह मिसाल मिली है अजूबा सच का, जिस देखा गया कि अजिहा शख्स है जो सा खड़े है जीवन जी जिन्हों का नाम है। ये पिछले 6 सालों तो लगातार बिल्कुल फ्री बच्चों 5वीं क्लास तक जो पढ़ा रहे हैं। सो थोड़ा सब तो पहला सत्कार टीवी बहुत बहुत स्वागत है जी। जीवन जी, तुसी पिछले 6 सालों तो पढ़ा रहे हो, किदां दा महसूस हुंदा तुहानू फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा के? की थोड़ी तमन्ना रहिंदी इस दे पिछे फ्री पढ़ाउण दे विच? बहुत वधिया लगदा, बहुत चंगा। आगे आ जा आगे, बच्चे कुछ पढ़ जाणगे। अच्छा जीवन जी, तुहाडा कोई होर भी इस तों अलावा कोई रहिंदा होवे मकसद कि तुहानू ओह मकसद तुसी पूरा कर रहे हो शायद पढ़ाई दे नाल? नहीं, बस यही है, गरीब पिंड दे बच्चे कुछ पढ़ जाणगे, बहुत कुछ जाणगे, कदी नाम याद करेंगे भी कभी किसी ने पढ़ाया जी। जीवन जी, आज तो सम्मानित किया गया, 2013 शुरू होया, तो कि महसूस हो रहा है सम्मान ने जरा तुम हासिल हो रहा है महारत मिले कि लग रहा है? बहुत बहुत चंगा जी। बिल्कुल तुसी देखिया इन्हां दे चेहरे ते जिहड़ी साफ खुशी चल रही है कि इन्हां नूं किन्नी खुशी हासिल हो रही है। सो जिन्हां ने उपराला किया वह भी साडे नाल शख्स ने। सो दलवीर जी, जिन्हां ने यह आवाज़ नूं उठाउण दी कोशिश की है, अजूबे नूं बुलंद किया है कि क्यों ना अजिही शख्सियत नूं सम्मानित किया जाए। सो इहोजा समाज विच होना चाहिए। सो साडे नाल ने दलवीर जी, जिन्हां ने उपराला किया है। दलवीर जी, मैं तुहाडे तों भी जानना चाहूँगा कि तुहानूं किस तरह यह सुझिया कि तुसी उपराला किया है? मास्टर जी ने मैं दसिया, केंद्र जी अपने एज भी अजूबे है स्कूल से। साइलेंट रहो, साइलेंट। मैं बड़ी हैरानी हुई जी, तो मैं फिर मन से ठान ली जी भी क्यों ना हो इस परमात्मा वर्गे शख्स न क्यों ना सम्मानित कराया जाए। तो उस दिन की ही मैं बड़ी लगन सी जी, अज का मैं टाइम मिले, तो मैं सब न संदेश दे के कट्ठे करके तो परमात्मा वर्गे रूप नू जी जी। साडे नाल होर भी बहुत सारे लोग है जो इस मौके से खुशी बयान करना चाहते। खैर इन्हां दे जिहड़े कंठ ने वो साबित कर दिता है, एक वराक है अखां दे विच असू है, वो है खुशी दे कि दूजे दे प्रति असी किन्नी की जिम्मेवारी समझते हैं। साडे नाल इस टाइम एक होर है, तुहाडा नाम दस्सो तो वाला जी। जी सुभाष पटेल जी, तुहानू किदां दा लग रहा है कि एक अजूबा है वाकई च देश दे अंदर कि अज दुनिया हाथ नूं हाथ खाता जा रहा है पर अज अजिहा सपना साकार होया? बिल्कुल, जिस तरह के दुनिया में अभी हो रहे हैं, इस तरह के अगर इंसान हमारी इस सोसाइटी में, तो इसी के कारण हमारी सोसाइटी हमारा समाज है, और ऐसा आगे भी किसी और को भी प्रेरणा मिले ऐसा मैं चाहता हूँ। बहुत ही खुशी होती है इस तरह के इंसान को देख। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी कुछ कहना चाहोगे जी? जी, मैं कृष्ण लाल खान बोलने वाले से हूँ जी। मैं इस प्रोग्राम को देख के शामिल हो गया और जीवन सर्जन के बारे में जो मैंने सुना था, वास्तव में सुन जरूर रखा था क्योंकि ये 6 सालों से फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज ये अजूबा बिल्कुल सामने आया कि इन लोगों ने, गांव के लोगों ने, सभी ने इकट्ठा होकर के जीवन सर्जन को, जैसे जल्दी वाल्मीकि जी जिनका सबसे ज़्यादा सहयोग रहा, कि भी मैं ऐसी शख्सियत को जो कि आज निस्वार्थ अपने देश भावना से उठ करके अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने ग्राम क्षेत्र में रह करके उनका यानी कि जीवन सुधार करने में पूरा तय दिन से पूरी की पूरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, तो ऐसी शख्सियत को क्यों ना मान सम्मान किया जाए जी। बिल्कुल, तुसी सच सुनिया कि लोगों की जबान तो यही सच निकले है कि एक वाकई च अजूबा है जो कि बेमिसाल है, वाकई च बेमिसाल है। साला जिस स्कूल के जिमेदार जी पढ़ा रहे हैं उस स्कूल के हेडमास्टर श्री प्रभु जी सा, प्रभु जी सब तो पहला सरकार टीवी से बहुत बहुत स्वागत है जी। प्रभु जी, कि लग रहा है एक अजिहा शख्स जो थोड़े स्कूल में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सरकार कुछ दे रही है लेकिन यह शख्स है जिसमें कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन 6 सालों तो फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा रहा है, कितना लग रहा है जी? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही अच्छा, और जीवनदास जी के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि हम इनकी धन्यवाद करें। 6 सालों से लगातार ये यहाँ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया, बच्चे भी याद करते हैं, हमारा स्टाफ भी बहुत खुश है,
स्कूल में भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। ये जो हरा भरा आपको आंगन दिखाई दे रहे हैं, इनमें इनका बहुत सारा योगदान है। स्कूल में सफाई है, बच्चों की पढ़ाई है, हो रहा है, तो बहुत ही बढ़िया सहयोग देते हैं। और मेरे को साथी के साथ ये कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि हम इनका इतने भी शब्दों में धन्यवाद करें, बहुत ही कम है, और मैं इनको शत शत नमन करता हूँ। जी बिल्कुल, तुसी सुनिया सारे लोगों की जबान तो एक ही सच निकल रहा है कि अजूबे तो घट रही है, क्योंकि दुनिया के अज मतलब प्रस्त हों जा रहा है। समाज साडा इस गल नूं सानूं सेध दे रहा है कि सानूं अजिहे लोगों तो अज सिक्ख्या लैण दी जरूरत है, क्योंकि सत्कार टीवी अजूबा सच का यही उपराला रहिंदा, यही कोशिश रहिंदी है कि असीं तुहानूं अजिहे अजूबा दे नाल मिलाउण दी कोशिश करिए, ताकि समाज नूं कुछ अखां खुल्लण, सानूं भी पता लगे कि दुनिया के भी कुछ अजिहे लोग है जो कि दूजियां दे लई जिंदगी जी रहे हैं। सो सानूं सब तो वड्डी प्रेरणा मिलती है, अज 2013 का आगाज होया दुनिया के। सो सारयां नूं सत्कार टीवी एक बार फिर तो नवे साल दिया बहुत बहुत मुबारक। जाते जाते अभी एक होर शख्स के नाल जो कि स्कूल के प्राइमरी टीचर, उन्होंने असं गलबात करनी चाहेंगे, क्यों की कहना चाहते हैं जी? सतपाल जी सारे इस टाइम में, सतपाल जी कि लग रहा है तुम्हें? भी बहुत वधिया लग रहा है जी। मैंने जब से जीवन सर को देखा है कि वो इस स्कूल के अंदर आ रहे हैं, तो मैं एक सरकारी टीचर होने के नाते और गाँव कालवाना से आता हूँ, और दारीवाड़ा और गुजरात के बीच में जो 1 किलोमीटर का सफ़र है वो तय करके आते हैं, तो मैंने देखा कि वो मेरे साथ आ जाए। फिर मैंने देखा कि मेरे को कई बार ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि लेट हो जाने की नौबत आती है, तो फिर मैंने देखा कि जब ये निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से पढ़ा करके बिना कुछ लिए पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो तेरे को लाने में क्या हर्ज है? तो मैं किसी कीमत पर उनको नहीं छोड़ता, और सही टाइम के ऊपर मेरे जो साधना व्हीकल है वो इनके घर के आगे होता है, और उनको लाते और उनको छोड़ के आते, मेरे को बड़ी खुशी होती है। जी जी बिल्कुल, साधना इस टाइम थोड़ा नाम दसो सब तो पहला जी। हरमंदर कौर जी, तुम्हें कितना लग रहा है कि थोड़े ही स्कूल में एक अजिहा शख्स है जो पिछले 6 सालों तो लगातार पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल लग रहा है, सानू भी उन्होंने देख के शिक्षा लेनी चाहिए, अभी सानू भी इस तरह ही अच्छे काम करने चाहिए, बहुत ही बढ़िया लग रहा है जी। सारों बहुत चंगा लग रहा है। सो नवे साल दिया एक बार फिर तो साडे पूरी सत्कार टीवी की टीम तरफों तुहानू सारयां नू, साडे सारे दर्शकों नू बहुत बहुत मुबारक, धन्यवाद। तो सो असी साडी कोशिश अगे तो भी अजिहा अजूबा अजिहा सच लैके तुहाडे सामने होईए। हुण तक लई तुहाडा दोस्त गुरिंदर पन्नू दी अनुमति, तुसीं देखदे रहो सत्कार टीवी अजूबा सच दा।